past. But what got you down? अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। हे गाइस, तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है थ्रिविल ट्रैक पे होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, काफी मजा इस वीडियो में आएगा, तो फटाफट वीडियो करते स्टार्ट। यहाँ पे हमारा पैडल कनेक्ट हो गया है इस तरीके से, देख सकते हैं, और काफी लंबी चेन यहाँ पे हमने लगाई है इस तरीके से, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर मैं आगे स्टेयरिंग की बात करूँ, तो यहाँ पे मैंने आपको इसका मेकिंग का ज्यादा डीपली नहीं बताया, क्योंकि इसका एक एनिमेटेड वीडियो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे भी किस तरीके से मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो ये जो आप बीच वाला ये जो स्टेयरिंग कॉलम देख रहे हैं, इसको हमने दो बेयरिंग के साथ में फ्रेम के साथ में कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे आजू बाजू से दो रोड लगा के हमने व्हील के हब के साथ में कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं टर्न लूंगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरीके से टर्न हो रहा है, और राइट टर्न लेफ्ट करूंगा तो इस तरीके से ये टर्न लेगा। तो कुछ इस तरीके से वर्किंग है, जो एनिमेटेड वीडियो मैं आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहां से देखेंगे तो आपको पूरा इजीली क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पीछे डिस्क ब्रेक यूज किया इस तरीके से, देख सकते हैं, और आगे यहाँ पे हमने इसका लीवर दिया हुआ है इस तरीके से। जैसे इसको हम प्रेस करते हैं, पीछे से हमारा डिस्क ब्रेक,
प्रोजेक्ट बनाते वक्त अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो होता है आपकी पीसीबी। आपकी पीसीबी जितनी ज्यादा बेस्ट होगी उतना प्रोजेक्ट आपका बेस्ट बनेगा। तो आज जो मैं आपको वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोस्ट ट्रस्टेड पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है एलटीएम डिजाइनर। आप जो इससे काफी आसानी से पीसीबी डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसका इंटरफेस जो है काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। और तो और इनके पिछले 35 साल के इनोवेशन और डेवलपमेंट के बाद में आज जो है इनका सॉफ्टवेयर वर्ल्ड का मोस्ट ट्रस्टेड पीसीबी डिजाइनिंग सिस्टम है। तो इससे जो है आप पीसीबी की छोटी से छोटी डिटेल को एनालाइज कर सकते हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को भी बाय करना चाहते हैं तो हंड्रेड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एंड थाउजेंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर आपको जो है वोक्ता पार्ट्स में मिल जाएंगे। तो वहां पर जाके आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को परचेज कर सकते हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, फटाफट जाके आप चेक करें। यहाँ पे हमारा वीडियो जो है कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने कोई टेक्निकल चीजें यहाँ पे कवर नहीं की है क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो मैंने किट यूज किया, जो आपने पीछे अलॉय देखा, मोटर देखी, बैटरी देखे, कंट्रोलर देखे, ये ऑलरेडी इसके वायरिंग के वीडियो मैंने चैनल पे रखे हुए हैं। तो अगर किसी को चैनल के वायरिंग की वीडियो चाहिए होगी तो चैनल से आके देख सकते हैं। और दूसरा, इसमें मैंने बैटरी काफ़ी छोटी लगाई है क्योंकि मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए इसको छोटी बैटरी लगाई थी। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें जितना रेंज आपको कवर करना हो उतनी बड़ी बैटरी आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें मैंने पैडल का भी ऑप्शन रखा है, इलेक्ट्रिक भी है, तो आप पैडल चलाना चाहे तो पैडल चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक चलाना चाहे तो इलेक्ट्रिक से कर सकते हैं। हालांकि इसमें जो हमने चेन लगाई है काफ़ी लंबी चेन लगाई है, तो जो इसमें हम लोग को पैर को थोड़ा अफर्ट लगता है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन
हालांकि हमने इलेक्ट्रिक कर दिया है तो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपको पेडलिंग ज़्यादा करना हो ना तो मैं आपको रिफ़र करूँगा तो कि आप गियर लगवा लीजिए आगे पीछे, जिससे आपको पेडलिंग थोड़ी स्मूथ चलेगी। बाकी और भी ऐसे नए नए प्रोजेक्ट देखने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं, और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।